नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। आज हम जानेंगे कि अक्षय तृतीया के दिन हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही पुण्यदायी होता है और ऐसा माना जाता है कि हमारे आने वाले 7 जन्मों में इसका पुण्य का फल हमें प्राप्त होता है। तो इस दिन जब तक पूजा पाठ आदि करने के साथ हमें दान भी करना चाहिए। दान का विशेष महत्व बताया गया है और इस दिन हमें क्या करना है वह हम जानते हैं। अक्षय तृतीया के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में किसी गंगा सरोवर आदि नदियों में स्नान करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। यदि आप गंगा सरोवर में स्नान नहीं कर सकते तो आप अपने घर के जल में किसी शुद्ध सरोवर का जल इस्तेमाल करके गंगा नदी का स्मरण करते हुए स्नान करें। उसके बाद पीपल के वृक्ष में जल सींचने का भी बहुत ही महत्व होता है और जल सींचने के बाद आपको पीपल की परिक्रमा भी अवश्य करनी चाहिए। अपने यथा संभव यदि आप 108 बारी करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही शुभ कर्म प्रदान करता है और ऐसा माना जाता है कि पीपल की परिक्रमा करने से, पीपल के वृक्ष में जल सींचने से हमारे पितरों को आत्मा की शांति मिलती है और वैकुंठ धाम में उन्हें स्थान मिलता है। तो ये अक्षय तृतीया वाले दिन आपको अवश्य करना चाहिए और अपने घर आके माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के समक्ष एक घी का दीपक जलाएं, उन्हें प्रणाम करें, पीले फूल, पीले पुष्प आदि से उनका पूजन करें। वैसे तो हमारे पुराणों में बहुत प्रकार के दान बताए गए हैं, जिसमें ककड़ी, सत्तू, गुड़, पानी से भरा कलश जिसे कुंभ कहते हैं वह दान करना चाहिए, बहुत ही शुभकारी होता है। पंखा, छाता, इमली, चरण पादुका का दान भी शुभकारी माना जाता है और ब्राह्मण का भोजन कराना चाहिए, गौ दान देना चाहिए। इसलिए आप इसमें से यथाशक्ति अनुसार दान अवश्य करें। हो सके तो आप जल से भरा कुंभ दान करें जिसमें आप उसके ऊपर कुछ मीठा अवश्य रखें, सादा जल दान ना करें। तरीके से अक्षय तृतीया वाले दिन आप दान पुण्य करके अक्षय पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं और दोस्तों ये पुण्य हमारे आने वाले 7 जन्मों में हमें प्राप्त होता है। तृतीया के दिन दान स्नान आदि के साथ हमें कथा सुनने का भी विशेष महत्व बताया गया। माना जाता है कि यदि आप अक्षय तृतीया के दिन इस कथा का श्रवण करते हैं या फिर कथा आप किसी को सुनाते हैं तो भी आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए हम आपको वह बहुचर्चित कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में एक धर्मदास नाम का वैश्य रहा करता था। वह उतना आर्थिक रूप से धनी नहीं था, फिर भी वह बहुत ही गुणी, धर्मी, चरित्रवान, सत्कर्मी, दयालु और विद्वान था। वह ब्राह्मणों की आदर करता था, ईश्वर में विश्वास रखता था, समय समय पर यथा संभव यज्ञ आदि करता था। उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के बावजूद भी वह यह सारे सत्कर्म करता था। एक दिन उसने किसी ब्राह्मण के मुख से अक्षय तृतीया के व्रत के बारे में सुना, उसके महत्व को जाना। उसको सुनने के बाद वह अक्षय तृतीया का इंतजार करने लगा। जब दूसरे वर्ष वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया का दिन आया तो उस वैश्य ने अक्षय तृतीया का व्रत किया, गंगा स्नान किया, ब्राह्मण का दान, गौ दान आदि यथा संभव उसने दान धर्म सत्कर्म किए। काफी वृद्ध हो गया था जिसके चलते उसको कई रोग भी हो गए थे, फिर भी उसने ये सारे सत्कर्म किए जिसके फलस्वरूप वह अगले जन्म में राजा बना। उस राजा का नाम कुशावती था, जो कि वह पिछले जन्म के अक्षय तृतीया का जो व्रत दान आदि किया था उसी के पुण्य से वह बहुत बड़ा धनी और प्रतापी राजा बना। राजा होने के बावजूद भी उसे ईश्वर में विशेष आस्था थी। वह सत्कर्म धर्म करने में पीछे नहीं रहता था, वह समय समय पर यज्ञ आदि कराता रहता था। इतना धनी राजा था कि उसकी यज्ञ में ईश्वर भी ब्राह्मण का वेश रख कर यज्ञ में आके बैठते थे, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि उसके यज्ञ में शामिल होते थे और वह
इतना धनी राजा होने के बावजूद वह अहंकारी नहीं था, निर्दयी नहीं था। वह बहुत ही दयालु और अंदर से सरल स्वभाव का था और दानी भी था। इसके फलस्वरूप उसकी प्रजा उसका बड़ा सम्मान करती थी। अगले जन्म में चंद्रगुप्त नाम का राजा बना। तो अक्षय तृतीया के दिन दान जब तक कभी खाली नहीं जाता है, उसका फल हमें आने वाले जीवन में, आने वाले जन्मों में अवश्य मिलता है। तो दोस्तों, ये थी अक्षय तृतीया व्रत की कथा, और इस कथा को जो सुनता है और जो सुनाता है उसे भी अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामना। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी आप पर सदा कृपा करें। जय हो माता लक्ष्मी की।